कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के पुराना शहर में बोगस वोटों के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस उम्मीदवार एम एस सत्तार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आए दिन खदीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, चुनाचे उन्होंने आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी करार दिया है। अली मसूदी साहब का जो नाम आ रहा था टर्मिनल से, आज जो उनके मकान के ऊपर असर साहब जो है ना खाना के इंतजाम, उसके बारे में क्या था? बात सीधी सीधी है, मैं देवन से दिया था कि अली मसूदी का जो नाम आ रहा था चारमीनार से, पहली दफ़ा मैं आपसे टीवी चैनल पे आपके पूरे मीडिया मेरे दोस्त के सामने कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने कांग्रेस का कैंडिडेट का नाम तक भी नहीं डाला। मेरे एक जुमले पे खाली सारी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अली मसूदी की जो बात कर रहे थे आप, उसके घर पर डिनर चला है, उस डिनर के अंदर इतना खौफ जो 14 साल तक ना जाने उस मरहूम खायद को इब्राहिम मसूदी साहब को क्या क्या बोला गया, वो अल्फाज उस मरहूम को दोहराना, आज उन्हीं की चौखट के ऊपर जाके गिर गिराना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज चंद्रन गुप्ता कॉन्स्टिट्यूंसी और 67 के अंदर काफ़ी लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए और इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन रिजल्ट आते रहेगा। ये इतवार तक काफ़ी टीआरएस के भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 की तादाद में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं, और मैं टीपीसी सदर साहब से और शब्बीर साहब से और हमारे फखरुद्दीन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब से टाइम लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आज इतवार का टाइम मिलेंगे। और दूसरी चीज़, आज जो प्रोग्राम रखा गया है एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि जो घरों पे बोगस वोट हो रहे हैं उसके अलावा भी जो है जहाँ पर एक कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, जैसा कि एक जगह जो है रक्षापुरम के अंदर तेलुगु मीडियम स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल और एक उर्दू मीडियम स्कूल है, तो ये लोग क्या करे हमारे हिंदू भाइयों के वोट मान आने की सूरत में वो तेलुगु मीडियम के अंदर एक भी बूथ नहीं डाले, उर्दू मीडियम में बूथ डाल दिए। और यहाँ पर बाबा नगर में क्रिस्टल स्कूल बोल के है, वहाँ क्रिसेंट स्कूल है, वहाँ के बूथ निकाल कर रहमत आलम में डाल दिए, और बसर स्कूल के निकाल के जो है अरला में डाल दिए। ये तमाम वोटों की शफलिंग कर ये लोग जीतना चाह रहे हैं, लेकिन आवाम को हम डोर टू डोर जाएंगे और हमारे इंशाल्लाह ताला एक कुछ बूथ पे 20-25 जनों की कमेटी बनेंगी। बूथ कमेटी बन चुकी है, कब काम काफ़ी कमोपेश बूथ कमेटी बनना है। बारगर, चंदन गुट्टा, जंगम मेट, उपूगुड़ा, रियासत नगर, मोइनबाग, ललिताबाग, बल्लागुड़ा, ये तमाम हलकों के नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, और नौजवानों को समझ में आ गया कि ये झूठी क़यादत 20 साल से चलते आ रही है, अब की बार सच्ची की जीत होगी और झूठे का मुंह काला होगा। अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी। कहो दिल से कांग्रेस फिर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुसलमानों में कोई जिद्दत नहीं है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में भी बोलना जरूरी समझता हूँ। ये बात पब्लिक में ले जाइए, आदि मोटा मुसलमान का फर्ज है, मुसलमान रिसीव कहते हैं, आदि गलती करता है जब पकड़ते हैं टेबल पर डबक होना है तो आदि है, मतलब ये नहीं है कि भाई आदि में कोई फतवा जारी कर दिया उन्हें ऊपर से होकर के आया तमाम चीज नहीं, अगर उन्हें गलत है उस पर डबल गुना है तो जान बूझ के किया है, मतलब जान से हो सकता आदि में ध्यान दीजिए। तो मैं क्या बोला था कि पहले साल के अंदर 150 करोड़ जबकि सत्य किता मन था 1050 करोड़, दूसरे साल के अंदर 1200 करोड़, कहा पूरे तारीख और क्या बोले 1200, ऐसा तो चीफ मिनिस्टर हम जिंदगी में नहीं देखे। 300 करोड़ ने खर्चा गए क्लास किता हुआ आपका पैसा 900 करोड़ सारा। अगर आप पूरे 5 साल का डाटा अगर देखेंगे, 5 साल का अगर देखेंगे, अगर दोनों आप 22 कैटेगरी का भी माइनॉरिटी बन को देखेंगे, अगर पांच में 22 कैटेगरी के बाद दो चीफ मिनिस्टर को मरने के बाद दो चीफ मिनिस्टर बने उनका देखेंगे, जब इनको देखेंगे तो आपको हकीकत में मुलायदा फरमाएंगे कि कौन आपका सच्चा दोस्त हो। मैं इस पर जोर डालने के लिए बोल रहा हूँ, मजबूर होते हैं हम बोलने के लिए। क्या आरोपी का फायदा नहीं हुआ? क्या मुसलमानों को आरएसी का मजा नहीं हुआ? बता लो इतने पूरे कठोर मुसलमान है यहाँ पर बैठे हुए, उसके अंदर आप आरओबीसी का मजा नहीं हुआ? 4% रिजर्वेशन का मजा नहीं हुआ? बात पब्लिक को बताना ही है, 5-4% रिजर्वेशन होते 5% हुआ 4% हुआ। आप अभी एक नारा बड़ा था बोले रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन देंगे हम उसको वोट देंगे भाई। 4 साल तक आप पार्टी के वो है ना भाई,
तीन साल पुराना वीडियो है ये, हमको जो एप्लीकेशन देगा उसको वोट देंगे, जो हमको मकान देगा उसको वोट देंगे, जो हमको रिजर्वेशन देगा हम उसको वोट देंगे। तो तीन साल में ऐसी क्या मतलब रहना हो गई, आप देखेंगे 100 मकान मुसलमानों को अलाट रहेंगे,